वेलकम इन फायर सेफ्टी लर्निंग डॉट कॉम। IFE के एग्जाम में अक्सर मैनेजमेंट और लीडरशिप से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। सो हेयर वी विल डिस्कस व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए लीडर एंड मैनेजर, एंड विच टाइप लीडरशिप इज बेस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। It is the set of the principle that is related to the function of planning, organizing, motivating and controlling. इसे शॉर्टकट में POMC भी बोलते हैं। Planning. Planning means as per organization, deciding in advance about the organization objective or goals, activity and resources and preparing how to meet them. ताकि एज पर ऑर्गेनाइजेशन इंटेंट दैट इज डिस्क्राइब इन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी मीट हो सके। इट इंक्लूड्स क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान। फॉर एग्जांपल, आप फायर सेफ्टी ऑफिसर हो और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंसिडेंट एक्सीडेंट रेट को कम करना चाहते हो। एज पर इंसिडेंट स्टैटिस्टिक्स 1918 में 1100 इंसिडेंट हुए, आपने कुछ एफर्ट्स किए और यह एक्सीडेंट रेट 1919 में 1000 रह गई। बट नाउ यू वांट कि यह इंसिडेंट रेट अगले 3 से 5 सालों में 0 तक पहुंच जाए। सो योर प्लानिंग इज टू रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स अप टू 0 लेवल इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। सो नाउ टू अचीव डिजायर्ड गोल यू नीड टू एक्सरसाइज सम एक्टिविटी आल्सो, जैसे कि ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, पब्लिक अवेयरनेस, मटेरियल सेलेक्शन and making of standard guideline SOP its. अब इन activities को execute करने के लिए आपको budget की जरूरत होगी। तो आपने कुछ budget decide किया, जैसे कि training के ऊपर 50,000 खर्च होंगे, awareness के लिए 20,000 खर्च होंगे और material का standard set करना है तो इसकी cost 1,00,000 से 5,00,000 तक पहुंच जाएगी। So as per organization, deciding about the resources, एक्टिविटी इन एडवांस, जिससे कि आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी हो सके, ये सभी एस्पेक्ट प्लानिंग का पार्ट है। ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज, जैसे कि मैन पावर, इक्विपमेंट एंड मनी को सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द एसेंशियल रिलेशनशिप अमोंग द पीपल, टास्क एंड एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लानिंग में डिसाइड किया कि एक्सीडेंट रेट को अगले 3 से 5 साल में 0 तक लाने के लिए आप डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज करोगे, जैसे कि आप ट्रेनिंग करवाओगे, स्टैंडर्ड मटेरियल परचेज करोगे और इसके लिए एक क्वालिटी इंस्पेक्शन चेक भी रखोगे एंड एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन या SOP भी बनाओगे, जिससे कि चीजें सिस्टमेटिक तरीके से हो सके। नाउ एज पर एक्टिविटी, डिसाइडिंग एंड अलोकेटिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज टू द इंडिविजुअल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। मोटिवेटिंग। मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए गुड ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन मीन्स मीटिंग द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल 3 to 5 years का डिसाइड किया है, उस गोल को 3 to 5 years में अचीव करने या उससे पहले अचीव करने के लिए स्टाफ का मोटिवेट होना बहुत एसेंशियल है। एज पर मास्लो नीड थ्योरी, हर एक इंडिविजुअल की अपनी स्पेसिफिक नीड्स होती है और अगर एक नीड्स पूरी हो जाए तो दूसरी नीड्स उसको बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल नीड्स सच एज फूड एंड शेल्टर, सेफ्टी नीड्स, लव नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब यह मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह इंडिविजुअल नीड्स को समझे और अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करे, अवार्ड, रिवार्ड, रेस्पेक्ट और प्रमोशन के थ्रू कंटिन्यू उनको मोटिवेट करती रहे, ताकि वो अपना 100% इनपुट दें और ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सके। कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का लास्ट टूल है कंट्रोलिंग। ऑब्वियसली ऊपर के तीनों कंपोनेंट बहुत एसेंशियल है, लेकिन यदि आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान पर किसी तरह का क्रॉस चेक नहीं रखा
तो आप डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 से 5 साल का टारगेट डिसाइड किया जिसके अंदर आपको एक्सीडेंट रेट 0 तक लेके आनी है, लेकिन अगर आपने पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जैसे 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या 5 ईयर पर किसी तरह के चेक्स नहीं रखे, प्रोग्रेस को टाइमली एवेल्युएट नहीं किया और जहां पर स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने की जरूरत थी वहां पर आपने इम्प्रूव नहीं किया, तो यू कांट गेट ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड गोल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट मैनेजमेंट का ईच कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है और यह है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वह इसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू गेट सिमिलर वीडियोज एंड विलिंग टू बी ए ट्रू फायर सेफ्टी प्रोफेशनल, स्टे कनेक्टेड विथ माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एंड माई वेबसाइट दैट इज www.firesafetylearning.com। Keep learning, keep progressing.